इंस्टीट्यूट आपको बता दें कि भारत का 7 दशकों का इंतजार शनिवार को खत्म हुआ। नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर पहला कदम रखा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा और रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार भी व्यक्त किया। इस पूरे घटनाक्रम पर आप विशेष रिपोर्ट देखें। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। देश को चीतों की सौगात देने वाले पीएम मोदी प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी, वो जानते हैं कि कैसे चीतों से इकोलॉजी सिस्टम को मजबूत किया जा सकेगा। वैसे भी मोदी सरकार का जोर शुरू से ही वन्य जीवों को बचाने में रहा, उनके संरक्षण पर रहा और उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि जहां 2014 में भारत के अंदर संरक्षित क्षेत्र 4.9% था, वो बढ़कर अब 5.03% हो गया है। वन एरिया भी 4 साल में 16,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। भारत में लगातार वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल पीएम मोदी प्रकृति और पर्यावरण को सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का आधार भी मानते हैं। दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की शानदार पहल से ही देश में आरक्षित क्षेत्रों के अंदर भी बढ़ोतरी है। 2014 में 43 कम्युनिटी रिजर्व थे, 2019 में 100 से भी ज्यादा हो गए। 18 राज्यों में करीब 52 टाइगर रिजर्व हैं। बाघों की संख्या दुनिया की 75% आबादी भारत में है। भारत ने बाघों की तादाद दोगुनी करने का लक्ष्य 2021 में हासिल कर लिया। बाघों की तादाद 2014 में 2,226 से बढ़कर 2018 में 2,967 हो गई थी। इतना ही नहीं, भारत में एशियाई शेरों की तादाद भी बढ़ी है। साल 2015 में शेरों की संख्या 523 थी, जो अब 674 हो गई। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। तेंदुओं की बात करें तो 2014 में इनकी संख्या 7,910 थी, लेकिन भारत में 2020 में ये 12,852 हो गई। दरअसल पीएम मोदी का जोर विकास के साथ साथ पर्यावरण पर भी रहा। पीएम की सोच ने दुनिया को नई दिशा दी है। कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है, ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है।
जाहिर है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर टिकी है और ये सब संभव हुआ पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच से। विकास उनके एजेंडे में है तो प्रकृति और पर्यावरण भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।